नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, पाकिस्तान में वही हुआ। आज सुबह से ही पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। कोरोना वायरस यहां काबू से बाहर होता जा रहा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कभी भी इमरान खान देश में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर सकते हैं। 16 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच करीब 4000 मरीज बढ़ गए, जिसके बाद पूरे पाकिस्तानी अस्पतालों में मौजूद बेडों की संख्या कम पड़ने लगी है। कोरोना वायरस से लड़ रहे कई स्थानीय डॉक्टर एसोसिएशन ने अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और बदहाल चिकित्सा व्यवस्था की वजह से स्ट्राइक शुरू कर दी है। लाहौर के मेडिकल हॉस्पिटल के 40 से ज्यादा डॉक्टर्स ने बिना सुविधा के चलते अपनी सेवाएं रोक दी है। पाकिस्तान की हालत इस हफ्ते के अंत तक और भी बुरी होने के आसार हैं। रमजान शुरू हो चुका है। इमरान सरकार ने मस्जिदों में पिछवाड़े घिसवाने का पक्का इंतजाम कर दिया है, जिसके बाद मुल्लाओं का हुरों की खोज में जाना लगभग तय माना जा रहा है। पीएमए के महासचिव शहजाद अंसारी ने कहा है कि सिंध में भी लॉकडाउन है, मगर पाबंदियों का सही पालन नहीं हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में पाबंदियां मजाक बनकर रह गई है, जो जब चाहे जहां चाहे पिछवाड़ा पटक देता है। इस हालत में आने वाले 2 हफ्तों में पाकिस्तान में ईरान से भी ज्यादा संक्रमित मरीज हो जाएंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े प्रमुख डॉक्टरों ने शुक्रवार को साफ कह दिया है कि पाकिस्तान में वायरस का सामुदायिक संक्रमण शुरू हो चुका है और अब यह थर्ड फेज में प्रवेश कर गया है, जहां लाखों लोगों की मौतें होने की संभावना बढ़ गई है। मुल्क में 24 घंटों में 1410 मामले सामने आए हैं, जो पाकिस्तान में एक दिन में सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में संक्रमितों की तादाद 11,057 हो गई है। 235 टोपीबाज हुरों की तलाश में प्रस्थान कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान द्वारा विभिन्न शहरों में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। पाकिस्तान ने 3 दिन पहले ही लॉकडाउन में नरमी के संकेत दिए थे और बाजारों को खोल दिया गया था, जिसके बाद यहां पर संक्रमण की बाढ़ सी आ गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस्लामाबाद के अस्पतालों में कुल 600 बेड के मुकाबले 1800 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनके लिए अस्पतालों में न बेड है और न दवाइयां ही उपलब्ध हैं। पूरे पाकिस्तान में बेड की संख्या 10,000 से भी कम है, मगर तेजी से बढ़ती मरीजों की तादाद पाकिस्तान की व्यवस्था की पोल खोल रही है। क्वेटा में 4, गिलगित बाल्टिस्तान में 1, इस्लामाबाद में 11, खैबर पख्तूनख्वा में 1, कुल मिलाकर पूरे पाकिस्तान में 190 छोटे बड़े अस्पताल मरीजों से ठस ठस भर चुके हैं। खास बात यह है कि मरीजों को ढोने वाली एम्बुलेंस भी कम पड़ गई है। गौरतलब है कि ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान में एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करता है, मगर इसके प्रमुख फैसल ईदी भी वायरस संक्रमित पाए गए हैं। हालत यह है कि कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों के पास मास्क और ग्लव्स तक नहीं है। कई डॉक्टर पॉलिथीन पहनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, पर मामला यहां तक नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के एक बड़ी महामारी बनने का फायदा अब चीन उठाने जा रहा है। दरअसल कभी महामारी का गढ़ रहे चीन ने इससे निपटने के लिए एक वैक्सीन बनाई है, जिसका अगले 3 महीने में पाकिस्तान में ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच एक करार भी हुआ है। चीन इसके जरिए यह जानने की कोशिश करेगा कि यह वैक्सीन कितनी कारगर है और इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। असल में चतुर चीन इसके लिए टोपीबाजों को बलि का बकरा बनाने जा रहा है। चीन इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तानी टोपीबाजों पर ही करेगा। खास बात यह है कि किसी भी वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल के बहुत सारे खतरे होते हैं। इसमें मरीज की जान भी जा सकती है और बीमारी भी ज्यादा फैल सकती है। इन सब के बावजूद इमरान खान ने अपने आका को खुश करने के लिए टोपीबाजों की जान दांव पर लगा दी है। बड़ी बात यह है कि चीन इस वैक्सीन का ट्रायल चीनी उइगर मुस्लिमों पर भी कर चुका है। पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मैनेजर आमिर इकराम ने कहा है कि चीन ने वैक्सीन का ट्रायल करने के लिए पाकिस्तान में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी आशा है कि पाकिस्तान में अगले 3 महीने में वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। मगर इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई है। चीन ने अपने देश में उइगुरों पर वैक्सीन का जो ट्रायल किया था, उसमें 10 से ज्यादा लोगों में रिएक्शन सामने आया है। 3 लोगों की मौत भी हुई है। चीन ने वैक्सीन में कुछ बदलाव के साथ अब पाकिस्तान को अपने जाल में फंसा है। चीन ने पाकिस्तान को लालच दिया है कि अगर वैक्सीन का ट्रायल सफल रहता है तो उसे पाकिस्तान को सबसे पहले उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे यह वैक्सीन 3 महीने तक ट्रायल में ही रहेगी, लेकिन तब तक पाकिस्तान 30% से ऊपर संक्रमित हो चुका होगा। यहां लाखों लोग हुरों की तलाश में जा भी चुके होंगे।
चीन की इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में कितनों की बैंड बजेगी उसकी गिनती शायद पता ही नहीं चल पाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।